हमने गूगल कोलाब खोल लिए। अब हम यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, फिर स्पेस, और अब हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, और अब हम यहाँ पे साइन लगाएंगे प्लस का, और यहाँ पे 4। अब हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे से मैनुअली भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, तो हम इसके 4 बना रहे हैं। इसको हम करेंगे बी, इसको हम करेंगे सी, और इसको हम करेंगे डी। अब हमें इनके ये वैल्यूज चेंज करनी है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ माइनस, यहाँ पर मैं कर दूंगा डिव, यहाँ पर मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मैं कर दूंगा डिवाइड। अब हम आएंगे नेक्स्ट लाइन में, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट विद ब्रैकेट्स, और अब हमें इसको यहाँ पे लिख, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। फिर अब हम इसको रन करते हैं, तो अब यहाँ पे सारा आंसर आ गए हैं, लेकिन ये एक ही लाइन में आए हैं। अगर हमें आंसर अलग अलग लाइन में चाहिए, उसके लिए हमें बस यहाँ पे ये ए रखना है, और इसी प्रिंट को कॉपी करके पेस्ट करना, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो सारे आंसर्स अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो इसमें आप और नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। इतना ही था आज के इस वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।